दोस्तों आज के टाइम में जो स्टूडेंट टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं, यानी कि वो अकाउंट्स के फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर है, उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने रहती है क्रेडिट नोट वाउचर को लेके या फिर डेबिट नोट के वाउचर को लेके। तो दोस्तों जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जो टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं, उनका मानना ये होता है कि अगर हमें कोई क्रेडिट नोट मिलता है तो उसकी एंट्री हम डेबिट नोट में ही करेंगे, या अगर हमें कोई डेबिट नोट रिसीव होता है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में ही करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में है भी क्रेडिट नोट की एंट्री क्या हमें डेबिट नोट में करनी कंपलसरी है या इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में भी पास कर सकते हैं, और क्रेडिट नोट की किस प्रकार की क्रेडिट नोट की एंट्री हमें डेबिट नोट में ही पास करनी होती है, उसके हम जर्नल वाउचर में एंट्री पास नहीं कर सकते। तो अगर आपके माइंड में भी इस टाइप का कोई कन्फ्यूजन कोई सस्पेंस है तो आज की इस वीडियो को एंड तक देख लेना, सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो से दूर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इसी क्रेडिट नोट के थ्रू प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू हम इसको टेली सॉफ्टवेयर में आपको एंट्री करके भी बताएंगे भी क्रेडिट नोट की एंट्री में किस कंडीशन में तो डेबिट नोट में पास करनी है और किस कंडीशन में हमें जर्नल वाउचर में पास करनी है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस टाइप के क्रेडिट नोट की। जैसा कि अब हमें दुर्गा ट्रेडर्स से ये क्रेडिट नोट हमें रिसीव हुआ है, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी और हमारी टेली सॉफ्टवेयर भी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के नाम से क्रिएट है। तो अब इसका मतलब हमें पता चल गया ये क्रेडिट नोट हमें दुर्गा ट्रेडर्स से रिसीव हुआ है। तो अब बात आएगी भी इसकी क्रेडिट नोट की एंट्री हम टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से पास करेंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास इस टाइप के क्रेडिट नोट की एंट्री, क्योंकि अगर देखें हम एंट्री को तो दुर्गा ट्रेडर्स की तरफ से क्रेडिट नोट में क्या किया गया है, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के 1247 रुपए जमा हुए हैं और टारगेट स्कीम एक्सपेंसेस खाते को डेबिट किया हुआ है। अब ये ट्रांजेक्शन किसकी बुक्स में हुई है, दुर्गा ट्रेडर्स की बुक्स में हुई है। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना भी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की हम क्रेडिट करेंगे और टारगेट स्कीम को डेबिट करेंगे, एज इट इज एंट्री इस तरीके से पास नहीं करनी। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्रेडिट नोट है तो अब हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है भी, हम इसकी एंट्री डेबिट नोट में भी पास कर सकते हैं और जर्नल वाउचर में भी पास करते हैं, क्योंकि इस क्रेडिट नोट के अंदर आप देख सकते हो कहीं पर भी किसी भी टाइप का कोई जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल एंट्री है, नॉर्मल एंट्री है, जर्नल वाउचर की ही एक तरीके की एंट्री है। अगर ये जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री आती तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए क्रेडिट नोट तरीके से ही एंट्री होनी थी। अगर ये क्रेडिट नोट इश्यू हो चुका है तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब इसकी एंट्री हम दोनों तरीके से पास कर सकते हैं। पहले अगर एंट्री हम पास करते हैं वाउचर पर हम चलते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास कोई दुर्गा ट्रेडर्स के नाम से कोई लेजर क्रिएट नहीं है, मैं लेजर क्रिएट करूंगा। तो अब हमें सबसे पहले बात करते हैं भी अगर हम इसकी डेबिट नोट में एंट्री पास करते हैं तो क्या एंट्री होगी। तो डेबिट नोट पे हम जाएंगे, तो डेबिट नोट में अगर आप जाते हो तो यहाँ से आपको वाउचर जो इसका मोड है चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल एच बटन प्रेस करेंगे या फिर आप यहाँ से चेंज मोड भी कर सकते हो। जैसे हम चेंज मोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसके लिए हमें कौन सा वाउचर यूज करना है, एज ए वाउचर का यूज हमें करना है। एंटर प्रेस हम करेंगे, तब एंटर प्रेस करने के बाद इस तरीके से ये जैसा कि जर्नल वाउचर में डेबिट क्रेडिट या टू बाई का ऑप्शन जो हमारे पास सामने आता है उसी तरीके से ओपन हो जाएगा। अब हमें क्रेडिट नोट है जो रिसीव हुआ है किसकी तरफ से, दुर्गा ट्रेडर्स ने। अब दुर्गा ट्रेडर्स ने क्या किया हुआ है, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को क्रेडिट किया है। तो अब हमारी कंपनी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, तो हम क्या करेंगे, दुर्गा ट्रेडर्स को डेबिट करने वाले हैं। तो अब हम यहां से एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, दुर्गा ट्रेडर्स। अब हमारे लिए ये कौन सा ग्रुप सिलेक्शन रहेगा, तो अब ये क्रेडिट नोट हमें रिसीव हुआ है हमारे सप्लायर के द्वारा और सप्लायर हमारा हमेशा सैंडरी क्रेडिटर में रहता है। कंट्रोल एस हमने इस विंडो को एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद में अमाउंट 1247 रुपए की है तो 1247 रुपए दुर्गा ट्रेडर्स को हम डेबिट करने वाले हैं। और उसके बाद में क्रेडिट की बात आएगी तो अब क्रेडिट, अब हमारे सामने ऑप्शन बचता है कि हम इसको चाहें तो डिस्काउंट खाते में ले सकते हैं, क्रेडिट नोट का अलग से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या जो भी आपने जिस अगेंस्ट के अंदर आपको ये क्रेडिट नोट रिसीव हुआ, जैसा कि आपने कोई कंपनी का टारगेट अचीव किया था तो अदर आपकी कंपनी के लिए अदर इनकम हो रही है, तो अब अदर इनकम का आप
किसी भी नाम से कोई लेजर क्रिएट कर सकते हो डिस्काउंट का, कमीशन का वर्ड आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं बी डिस्काउंट फॉर टारगेट स्कीम का या टारगेट अचीव स्कीम, आप इस तरीके से आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो अब ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी यानी कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये इनकम का पार्ट है, तो हम इसको रखने वाले हैं इनकम इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, अब जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पर हमें नहीं करनी, नोट एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि इस क्रेडिट नोट के अंदर किसी भी टाइप का कोई जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं है। एंटर करेंगे, पास करेंगे और एंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब ये सिंपल एंट्री हमारे पास होगी। तो अब आप चाहो तो इसकी जर्नल वाउचर के अंदर भी एंट्री हम पास कर सकते थे। जर्नल वाउचर में जाएंगे तो सेम वही ऑप्शन, दुर्गा ट्रेडर्स को हम डेबिट करने वाले हैं और अभी हमने जो लेजर यहाँ पर क्रिएट किया था डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट के लेजर को क्रिएट करेंगे क्योंकि अब दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा, भी इस क्रेडिट नोट के अंदर कोई जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं है तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो हमारी जीएसटी की रिपोर्ट है उसके अंदर इस वाउचर का किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर हमारे को ये क्रेडिट नोट कोई जीएसटी का ट्रीटमेंट का मिलता तब हमारी एक कंडीशन होती भी हम इस एंट्री को डेबिट नोट वाउचर के अंदर ही करेंगे। अब हम चलते हैं भी अगर आपके सामने कुछ टैक्सेबल का कोई डेबिट क्रेडिट नोट अगर आपको रिसीव होता है तो उसकी एंट्री किस तरीके से पास करते हैं। और ये दूसरा क्रेडिट नोट भी हमारे पास में है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो भी लिखा हुआ इसके टाइटल पर भी क्रेडिट नोट ही है लेकिन यहाँ पर इसके अंदर कुछ जीएसटी का ट्रीटमेंट हुआ है। तो अब इस टाइप की क्रेडिट नोट की एंट्री अब हमारी मजबूरी रहेगी, अब इसको हमें डेबिट नोट में ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके हम क्रेडिट नोट में एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि इस क्रेडिट नोट का इफेक्ट क्या पड़ेगा, सीधा सीधा हमारी जीएसटी की रिटर्न के ऊपर पड़ने वाला है क्योंकि हमारी परचेज कम होगी और इस क्रेडिट नोट के थ्रू क्या रहेगा, हमारा सीजीएसटी का और एसजीएसटी का जो टैक्स है वो भी अब हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की जो ट्रांजेक्शन किस प्रकार से होती है पूरा प्रैक्टिकल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है भी किस कंडीशन के अंदर हमें क्रेडिट नोट रिसीव होता है, किस कंडीशन में हमें क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ता है, डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट किस कंडीशन में इश्यू होता है, किस कंडीशन में हमें रिसीव होता है, टैक्सेबल क्रेडिट नोट की क्या कंडीशन है और नॉर्मल क्रेडिट नोट की कंडीशन क्या है, तो इस पर प्रैक्टिकल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, चैनल पर आपको मिल जाएगा, जरूर सर्च कर लीजिएगा। और आज की वीडियो पसंद आई और नॉलेजेबल लगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।